हमारे साथ हैं पृथ्वीराज चौधरी जी, जो कि UCMS के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए का पहले तो हम पूरा परिचय जान लेते हैं। सर, आपका खोज खबर में स्वागत है। थैंक यू। मैं पृथ्वीराज चौधरी, मैं UCMS में जो पुस्तक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर कॉलेज का मैं SC/ST का एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ और SC/ST जनरल सेक्रेटरी मैं UCMS और चीटीबी हॉस्पिटल का। अच्छा सर, क्या ऐसा मामला हुआ है कि आज आपको जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या ऐसा मामला हुआ? मैडम, हम UCMS में बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। पिछले 10 साल से UCMS में DPC नहीं हुई थी। DPC हमने अब करवाई तो लेबोरेटरी अटेंडेंट पे लोरोस्टर का मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। कभी कह रहे हैं वो कमी है, कभी वो कमी है, जो अथॉरिटी बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहते। मैं एनिमल हाउस में हूँ, एनिमल हाउस में लेबोरेटरी का एम्प्लॉइज हूँ। हमारे आदमियों को लेबोरेटरी के आदमी को क्लर्क बनाया जा रहा है, कभी कुछ काम दिया जा रहा है। भाई, मैं ये कह रहा हूँ अथॉरिटी से कि लैब के आदमी को लैब में रखो, क्लर्क बनाया जा रहा है। वहां पे जो आदमी ब्लड टेस्ट कर रहा है, थायराइड शुगर टेस्ट कर रहा है, वो आदमी जाके कंप्यूटर पे टाइपिंग कर देगा? बताइए, बहुत ज्यादा गलत होता है। MSP 2018 आज तक नहीं मिली, ठीक है जी। स्टाफ की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है जी। यानी कि हम बिल्कुल हर तरह से इतने परेशान हैं। यहाँ मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारा बोनस बंद कर दिया हमने, उसको कुछ कहा। मैं ये कह रहा हूँ UCMS अथॉरिटी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि जो सरकार हमें दे रही है उसे दे दो। हम फिर आपसे निवेदन कर रहे हैं, कल को कोई कानूनी कार्रवाई करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ बहुत बड़ी जबरदस्ती। ये मेरा कहना ही है, फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि UCMS अथॉरिटी और जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, हमारा HRA का बैलेंस है, PCA का बैलेंस है, वो हमें बिल्कुल जो सरकार हमें दे रही है, मेरे कहने का मतलब ये है जो सरकार दे रही है उसे हमें टाइम से दे रही है। सर, और भी दिक्कत होंगी जिनसे आप लोगों को जो है जूझना पड़ता होगा? और किससे बिल्कुल जूझना पड़ता है, और हमारे कोई कार्य टाइम से नहीं है। तो ये समस्या कब से उत्पन्न हुई है? बहुत काफी टाइम से है। कुछ पिछले यूनियन की भी गलती है और पिछली अथॉरिटी की भी गलती है, दोनों में, पिछली अथॉरिटी और पिछली यूनियन की भी मिस्टेक मानता हूँ। अगर मान लो 10 आदमी यूनियन में है, 8 आदमी काम नहीं करेंगे, 2 आदमी काम कर रहे हैं यूनियन में, तो फिर उसमें क्या 8 आदमी देखते नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब अपने बेनिफिट में है। अरे, जिन्होंने हमें जीत के वोट डाल के भेजा है, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, भगवान को मानते हुए हमें हर काम को सक्सेसफुल करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन इस अथॉरिटी में हमें बिल्कुल कुछ। अच्छा सर, अभी आपने जो अभी शिकायतों बताई, उन शिकायतों को आप कभी आगे लेके गए, शिकायत दर्ज करवाई जिससे आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई? अभी हमने ऐसे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, अथॉरिटी से ही हम बार बार निवेदन करते हैं और कि हमें हमारी जो डिमांड है टाइम से दिया जाए। अगर इस तरह से ये करते रहे तो यहाँ पे फिर अनिश्चितकालीन धरना होगा, उसमें आप भी मौजूद होंगे, मीडिया वाले सारे होंगे, सब पूरे भारत में न्यूज जाएगी कि UCMS में सब हुआ। मैं माननीय केशव जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, 28 दिन आंदोलन चला, वो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, फिर वो अकेले थे और हम जैसे भाई साथ में बैठे थे, जैसे भाई साहब बैठे, मैं हूँ, सारे हम जो भी जितने सपोर्ट करते थे, उन्होंने 28 दिनों पर आंदोलन करके PCA उन्होंने हमें दिलाया। और भी सारी बातें थी उनके अधीन होती रहती थी, वो काम करते थे, लेकिन अब ये यूनियन भी ऐसे आ रही है और अथॉरिटी भी ऐसे, कोई भी काम नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि जो भी आप लोगों की सुविधा होनी चाहिए वो आपको मुहैया नहीं हो पा रही है, 100% मिस है, 10% कहीं भाई चलो आ रहे हैं कि मेरा लास्ट मैंने भी यही कहने का मतलब है कि जो हमें सरकार दे रही है उसे टाइम से दे दो, वरना कोई भी आंदोलन, कोई भी अनिश्चितकालीन धरना होगा, ये कानून कार्रवाई इसकी अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। अच्छा, तो यानी कि आपका कहना कहीं इशारा ये जा रहा है कि जो काम जिसका है उसको नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। हमारे लैब के आदमी कलंक बना दिए, उन्होंने वहां पे आदमी क्या काम करेगा? भारत का संविधान जो कहता है अगर कोई मानो कोर्ट चले जाएगा तो क्या होगा? बदनामी होगी। हम देखते हैं कि देखो ये चीज हम जॉब करते हैं, जिस थाली में हम खा रहे हैं उसको चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन मजदूर ना हमें कुछ स्टेप लेना पड़े। आदमी परेशान है, आदमी के हाथ खड़े हुए हैं जी, हम क्लर्क का काम नहीं कर सकते, कानून का ही सहारा लेगा। बिल्कुल, जो क्लर्क है उसे क्लर्क बनाओ, जो लैब का आदमी लैब में भेजो उसे
यहाँ तो बहुत इतने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हम लोगों को। तो अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से? मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि ऐसे ऑफिसरों पे या आप काम लीजिए या ऐसे ऑफिसरों पे कार्रवाई कीजिए। अभी मुझे पीछे मैसेज मिला था माननीय मोदी जी ने 312 कस्टडी ऑफिसर पे, उसमें आईएसपीसीस भी थी, उन पे कार्रवाई हुई है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अगर आप कस्टडी ऑफिसर हैं और ऑफिस में आए हैं तो काम कीजिए, नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्रवाई की, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो ये थे हमारे साथ पृथ्वीराज चौधरी जी, जिन्होंने ये बताया कि ये काफी मुसीबतों से जूझ रहे हैं और इनकी जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो ये कानून का भी सहारा लेंगे और इनका यही है कहना। आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना।